तो हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं हम एक और नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, जो कि है इस बार हमने बनाएंगे अंडे के ऊपर, ठीक है। जो कि ये देख सकते हो, इसके ऊपर में आज हम डालने वाले रेसिपी देखेंगे कि इसके अंदर ही इसके ऊपर में अंडे के ऊपर क्या रिएक्शन दिखाता है, कुछ होता भी है या नहीं इसको, या फिर मुझे भी नहीं पता है कि इसके अंदर में क्या हो सकता है। शायद ये उबल भी सकता है थोड़ा, या फिर ये फट भी सकता है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार में एक बार टेस्ट करके देख लेते कहीं इसके अंदर बच्चा तो नहीं है, नहीं तो चूजे के ऊपर में एक्सपेरिमेंट हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते कि इसके अंदर में चूजा तो नहीं है, तो उसके लिए मैं नाइट में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देख सकते हो इसके अंदर तो नहीं है शायद, तो हमारा अंडा पता नहीं कितने भागे जा रहा है। शायद एक्सपेरिमेंट करने से पहले पता नहीं रहेगा भी हमें, पर कोई बात नहीं, दूसरा ले लें। तो आप देख सकते हो इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने के काम का है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने दोनों भी रखे हुए, जो कि हमारा पूरा ऊपर से तैयार हुआ था, जो कि मैंने पहले करके रखा हुआ है। वहाँ पे एक कैमरा रखा हुआ है जो कि फ़ोन के साथ में है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट टाइम करने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसिड है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसिड सच में है। तो आपको पता ही होगा कि शायद ये एसिड पता नहीं मुझे, लेकिन स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है भी या नहीं। तो हम सबसे पहले अपने यहाँ का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। हमारा वहाँ का भी कैमरा चालू हो चुका है, तो अब हमारी बारी है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आए, तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं। 3, 2, 1 स्टार्ट। इसमें से फट ना जाए, बस इतना डर लग रहा है मुझे। तो इसको मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ये शायद फटने की तदार पे होगा, तो देख लेते हैं हम क्या होता है इसका क्या नहीं। तो चालू ही रहने। ओह माय गॉड, तो गाइस ये पूरा नरम हो चुका है, ये नरम हो चुका है गाइस ये अंडा, देख सकते हैं यार। नरम हुआ था गाइस, लेकिन फिर से कड़क हो चुका है, पहले नरम हो गया था। तो मुझे लगा था यार फट जाएगा, लेकिन ये फटा नहीं है। ये मैंने सोचा था ये उबल तो भी जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। तो हमारा एक्सपेरिमेंट तो फेल हो चुका है अंडे के ऊपर में, लेकिन फिर भी हम इसको फोड़ के देखेंगे, इसके ऊपर में एसिड डाल के देखेंगे कि ये रिएक्शन क्या करता है, ठीक है। फिर से बारी आती है एसिड डालने की, ठीक है। तो देख लेते क्या यार क्या बने जा रहा है इसके अंदर में, लेकिन हम पूरी यहाँ पे पूरी की पूरी पूरी बना के देखेंगे गाइस यहाँ पे, जो कि है पूरा मिक्स करके देखेंगे यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है क्या है। तो यहाँ पे ये सख्त जैसा हो चुका है, देख लो अभी पीला पीला बढ़ रहा है थोड़ा कड़क सा। तो गाइस ये पूरा ऑमलेट उबल चुका हुआ है, तो देख सकते हो क्या हो रहा है, एसिड ऑमलेट। अरे यार पैटर्न का नाम सुन गया यार, एसिड ऑमलेट बनाना सीख गया। तो देख सकते हो हमारा एसिड ऑमलेट तैयार है, जिसको भी खाना होगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हमारा तो एक्सपीरियंस फेल हो चुका है यहाँ पे, जो कि मुझे लगा फटेगा या फिर कुछ तो
रिएक्शन होगा, लेकिन ये तो ऑमलेट बन गया पूरा, देख सकते हो पूरा सख्त हो चुका है। जैसे कि मतलब